हेलो, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो सुबह मैं थोड़ी जल्दी में थी तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो अभी मैं आई हूँ मम्मा के साथ ड्यूटी पे। और आज हमारे साथ आए हैं हमारे प्यारे काजल जी। काजल जी घर से बोलते मुझे जहाँ मर्जी ले जाओ, मैं नहीं थकूंगी जितनी देर मर्जी का सफ़र हो। एक्चुअली यहाँ पे आते में 1.5 घंटा लग जाता है। और काजल की हालत ऐसी हो गई है, अभी उसको उल्टी आ रही है। काजल जी कैसी है आपकी हालत? बहुत अच्छी हूँ, आप ऐसे बोल रहे हो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ठीक है, गाड़ी में मरने वाली होगी थी, कह रही थी मेरे को गाड़ी से उतारा हो, उतारो। हम इसको उतार भी देते हैं एक्चुअली, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बड़ी कम है, ये वापस नहीं जा सकती थी। अब इसको मैंने बोला मैं तेरे को इधर अकेले छोड़ के चली जाऊंगी, तो तुझे खुद शाम तक घर पहुंचना है। और क्या विचार है आपके सफर, कैसा रास्ता रहा यहाँ का? रास्ता बहुत अच्छा है, पहले गाड़ी वगैरह कुछ नहीं है, लोग पैदल चलते हैं। इसको दुख हुआ, ये कहती मैं अपनी मेटाडोर डालूंगी यहाँ पे। काजल काजल क्या क्या हुआ, हुआ, उल्टी उल्टी आ आ रही रही है? है? कर उल्टी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। दीदी मैं नहीं थकती, अभी इसको उल्टी आ रही है। दीदी मेरे को जहाँ मर्जी ले जाओ। रहे हमारी प्यारी मम्मी, हेलो करो। कैसा सफर रहा आपका आज का? आज का सफर तो ना ही पूछो बात, क्योंकि मुझे बहुत गैस बनी गाड़ी में बैठ के, मन इतना खराब हुआ कि बस अभी अभी मेरे पास श्वास प्राण निकलने वाले हैं। ये रही पीछे प्यारी डिस्पेंसरी, इधर टूटी हुई एम्बुलेंस भी लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। रुको, एम्बुलेंस आई है, अगर कोई पेशेंट एमरजेंसी होगी ना इनको, तो ये टूटी हुई एम्बुलेंस में लेके भागेंगे। एक ये टूटी हुई एम्बुलेंस लगी हुई है, तो एक वो उधर लगाई हुई है टूटी हुई एम्बुलेंस। क्या कहने इस गवर्नमेंट के। बस मुझे लगता है जब कहीं इमरजेंसी पड़ गई हो ना, तो बंदूक को उठा के ही भागते होंगे, एम्बुलेंस को नहीं। तो अभी हम आए थे छत पे, और छत पे बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में मंदिर भी है, अभी हम और काजल मंदिर में भी जाएंगे थोड़ी देर के बाद। ये छत पे धूप लगाने आई हुई है औरतें, इनको ठंड लग रही है। यार हमारे तो ठंड हो गई वैसे। ये देखिए छत कितना प्यारा, दूर तक कितना प्यारा है छत। अब मेरे मामा जी कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे डिस्पेंसरी खास करके ऊपर की हालत तो बहुत ही खराब है, क्योंकि जगह जगह पर तारें पड़ी हुई हैं, कोई गवर्नमेंट जगह कोई सुविधा नहीं है। पानी की टंकियाँ देखो, कितनी बड़ी बड़ी टंकियाँ, तो पानी की बूंद ही नहीं है टंकी में। हाँ ये देख सकते हैं टंकियाँ, और पास का व्यू आप जरा सिनेमैटिक इसके एंजॉय करें। काजल बालू में रस्सी बांध के आई थी, इसकी रस्सी बार बार खुल रही है, इसके पास रबड़ नहीं था यार। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अभी हम हो गए थे बोर पढ़ पढ़ के, तो अभी हमने काफी ज्यादा रील्स और फोटो खिंचवाए। काजल जी जो अपनी रस्सी बांध के आए थे बालू में, वो छत पे ही भूल के आ गए, तो अभी वापस हमें छत पे जाना पड़ेगा इनकी रस्सी लेने के लिए। तो अभी हम तंग हो रहे हैं यार, अब भूख भी लग रही है, लंच टाइम हो रहा है, तो अभी देखते हैं खाएंगे लंच टाइम साथ। एक्चुअली हमारे साथ ना पंगा हो गया, काज हमने खानी थी मैगी और ब्रेड, और भी लाया खाना, पर हमने मैगी और ब्रेड खानी थी। हम मैगी तो ले आए रास्ते से, हमने लेने थे ब्रेड, तो ब्रेड लाना तो हम गए हैं भूल, तो चलो अब एडजस्ट कर लेंगे, क्या करें। बने रहिए हमारे साथ आगे ब्लॉग देखने के लिए। हम अभी वापस छत पे आए थे, तो काजल की रस्सी हमने ले ली है। काजल अपनी रस्सी दिखा, ये देखो रस्सी में आए, अनपढ़ों के लिए रस्सी है, मान लिया तू अनपढ़ है। क्या बात है बेटे, यार और कुछ नहीं, यहाँ का व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे। इस जगह का नाम है गर्न गर्न गर्न, ये पता नहीं क्या कर, ये लाइव आई हुई है इंस्टा पे, वो देखिए नीचे बैंड से।
एक छत पे है। एक छत पे भैंस, दूसरी नीचे भैंस, दोनों की होगी दोस्ती। ये है भैंस भैंस। अभी हम जा रहे हैं वापस घर। काजल जी, आपका सफर कैसा रहा आज का? जोर से बोले थोड़ा। बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा रहा ना आपका। काजल ने आज इतने फोटो रील खिंचवाए ना, क्या बताऊँ आपको। आरती की बहन हूँ मैं भी। किसकी बहन है? आरती, जो तेरी फ्रेंड है। आरती देख ले, तेरी तारीफें इधर भी होगी। इस व्लॉग में तो चैन नहीं है, पर तू जिंदा है इस व्लॉग में अभी। ओह माय गॉड। हमारे साथ अभी इतना बड़ा मौजूद है। एक्चुअली ना इस रोड पे ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है, पर्सनल गाड़ी भी नहीं चलती। तो अभी एक आंटी थे, उन्होंने काफी ज्यादा सामान उठाया हुआ था, तो मैं रुकी। मैं कहा आंटी बैठ जाओ, कहाँ जाना? कहते आगे तक। मैं कहा बैठो। है नहीं, मैं क्यों नहीं बैठ रहा, कहती मुझे उल्टियाँ लगती है। अभी इधर हम सियाल से ऊपर रुके हैं हाईवे पे, तो यहाँ से खाएंगे समोसे। उस दिन भी जब आरती और रिम्पी के साथ आते खाए थे, यहाँ पे बड़े अच्छे समोसे मिलते हैं यार। क्योंकि जब भी मम्मा के साथ आती हूँ ना, यहाँ पे ज़रूर खाती हूँ। अगर आप भी इस रोड में आ रहे हैं तो यहाँ से समोसे ज़रूर खाएं, काफ़ी अच्छे समोसे मिलते हैं। रुकिए 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 ज़रा, हम आ रहे थे रास्ते में और रास्ते में हमें दिखे बावे, और बावे जा रहे थे कार पे। यार इनके तो अपने नज़ारे हैं। हमने लिए थे जो समोसे, हमने खाए नहीं। हम आ गया के काजल को समोसों की खुशबू आ रही थी, बोलते कहीं गाड़ी कहीं रोको। ये मम्मा जी ने कोल्ड ड्रिंक पकड़ी हुई है। मैं पानी पीऊंगी, कोल्ड ड्रिंक मैंने पीती। झूठ बोल रहे हैं। पहले हमने अपने लिए समोसा लाया, मम्मी कहते नहीं मेरे लिए भी एक ही ले आओ। पहले मना कर दी, नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो हमने कार किया साइड में पार्क, और अभी हम इधर थोड़ी प्यारी जगह वहां पे बैठ के आराम से समोसा खाए। काजल को बड़ी ज्यादा खुशबू आ रही थी। बाद में आपको दिखाती हूँ की डिमांड है की व्लॉग में ये भी दिखाई दिए, कितनी प्यारी स्लाइडिंग हुई हुई है। अरे कहना क्या चाहते हो? स्लाइडिंग प्यारी नहीं होती है, मतलब स्लाइडिंग हुई है थोड़ी थोड़ी। तो कितनी प्यारी मिट्टी है, पूरी रेड 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 सॉइल है ये। और ये देखिए यहाँ का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। बात इनको जगह आई नहीं पसंद, अब कहीं और चलो। सियापा मैंने खा लेने, आपको जगह देखते रहना। आप दोनों जगह नहीं पसंद आ रही इनको। फाइनली फाइनली हमें एक जगह पसंद आ गई है, वहाँ पे आके हम बैठे हैं। तो वहाँ पे अब समोसा नसीब होगा खाने के लिए हमें। 2 रुपये दो डालो मेरे को। वो नीचे की हमने कार पार्क, दिखी नहीं यार इधर से, बाद में दिखाएंगे। काजू काजल ने कोल्ड ड्रिंक पी के मेरे लिए बचाई है इतनी सी, और कह रही दीदी पी लो सारी, आप इसमें से मैं सारी क्या पीऊँ। अब खा पी के अब हम जा रहे हैं वापस यार, घर जा रहे हैं। अब काफी ज्यादा लेट हो गई, हमें उधर से निकले हुए लगभग 2 घंटे हो गए। रास्ते में रुक रुक के आ रहे हैं हम। हमारी माता श्री थोड़ी वॉक करते आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं आगे चल रही हूँ, पीछे से आप कार लेके आओ, मेरे को थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम है उन्हें। अरे कहना क्या चाहते हो? बोला किसने था समोसा खाओ? आइए मैम बैठिए। मत एक तेरी लाइब्रेरी जानी मैम। अभी हम पहुंच गए हैं घर, काजल चली गई है अपने घर। तो मैंने सारा सामान उठाया, टिफिन पूरी ऊपर तक। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, 5 डे का चैलेंज लेती हूँ पहले, क्योंकि हो तो नहीं पाएगी। 5 डे में डेली ब्लॉग करूँगी, तो आप ही सपोर्ट कीजिए अगर हो पाया तो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो फिलहाल 5 डे का चैलेंज ले रही हूँ कि कर पाऊँ।
मैंने अपना व्लॉग तो एंड कर दिया था, बट इवनिंग टाइम मुझे बड़ा ही ब्यूटीफुल सा मून दिखा निकलता हुआ, तो मैंने सोचा ये कैप्चर कर लूँ और आपको दिखा दूँ।